Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. My name is Sajil and today our lecture is class 6 computer. Aaj hum log padhenge class 6 ka computer kyunki first two jo lecture the wo ho chuke the. Aur aaj hum padhenge lecture number 3. Yani ki maine aap logo ko bataya tha ki har roz 3 short questions honge. Aur aaj hamare paas hai question number 7 6th class ka jo computer hai us How many ways are there to open a window program on window? कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने window के ऊपर मतलब अपने computer के ऊपर अपने program को कितने तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको open कर सकते हैं? जी इसको open करने के तीन तरीके हैं from desktop है from start menu and from run command. इसके आप लोगों को मैं practical भी करके दिखाऊंगा कि ये आप लोगों ने किस तरह से three ways को open के जरिए से हम लोग open कर सकते हैं. जी again सुनिए. There are three different ways to open a window program. के window open program करने के तीन तरीके होते हैं from desktop है, from start menu and from run command. इसको एक दफा पढ़े फिर आगे हम चलते हैं question number 8 की तरफ अपने. जी, अब आगे हमारे पास है question number 8. What is drive? देखें जी drive क्या होती है? जब हम अपने my computer को open करते हैं तो हमारे computer के अंदर C drive बनी नजर आती है, तो D drive बनी नजर आती है. ठीक है, तो जो चीजें बनी नजर आती है जिसके अंदर हार्ड डिस्क की पूरे की पार्टीशन जहां पे हमें नजर आती है वो चीज को हम कहते हैं ड्राइव कहते हैं. अ स्टोरेज एरिया इन एनी स्टोरेज डिवाइस इज नोन एज ड्राइव. कि जहां पे कंप्यूटर का डाटा जिस जगह पे सेव हो रहा होता है उसको कहते हैं हार्ड डिस्क. लेकिन हमारे विंडो के अंदर वो जगह जहां पे हमें हार्ड डिस्क की चीजें नजर आती है कि यहां पे हम लोगों ने डाटा सेव किया हुआ है उसको हम कहते हैं ड्राइव कहते हैं. तो drives are the name letter by the following colon C. जिस तरह आप ले हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि my computer को जब हम क्लिक करते हैं तो उसके अंदर C drive बनी आती है, D drive बनी आती है, वो चीजें कहलाती हैं drive कहलाती हैं. उसके बाद आते हैं question number 9 की तरफ. Define a copy file folder. देखिए copy paste करना क्या होता है कि जिस तरह हमारे पास ABC के नाम से एक folder है, तो हम चाहते हैं कि हमारा वो फोल्डर भी सेव रहे और इस तरह का एक दूसरा फोल्डर भी बन जाए. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फोल्डर पे आएंगे तो उसको करेंगे कॉपी. जिस जगह पे करना होगा जाके, जिस ड्राइव पे रखना होगा तो वहां पे जाके हम पेस्ट कर देंगे. कॉपी ऑफ फाइल फोल्डर इज रिप्रोड्यूसिंग इट एन अदर लोकेशन विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन. के ओरिजिनल लोकेशन से वो चीज हमारी रिमूव नहीं होगी, वो वहां पे सेम एज इट इज रहेगी, बल्कि दूसरी जगह जाके वो क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी. चलें जी, अब हम इसके प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि ये आप लोगों ने कैसे कंप्यूटर पे कर सकते हैं इजीली. देखिए जी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपने माई कंप्यूटर को ओपन करना है. माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये देखिए सी ड्राइव और डी ड्राइव बनी नजर आती है. तो ये चीज असल में क्या होती है, यहां पर इसके अंदर हम लोगों का पूरा कंप्यूटर का डाटा क्या होता है, सेफ होता है. ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे पास सवाल था कॉपी ऑफ फाइल एंड फोल्डर. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास यहाँ पे कोई भी तस्वीर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यह इमेज है. ठीक है, मैंने यहां से इसको किया कॉपी. अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको क्या करूं, डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट करूं. तो यहां पे देखिए डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक किया तो क्या आ गया, पेस्ट आ गया. अब देखें मेरे पास ये इमेज भी यहां पे रहेगा और जो ओरिजिनल लोकेशन थी फाइल की, यानी कि ओरिजिनल जगह पे भी यह तस्वीर एज इट इज रहेगी और वहां पे भी एज इट इज ही रहेगी. तो इस चीज को कहते थे कॉपी ऑफ फाइल एंड फोल्डर. और उसके बाद हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी वेज देयर टू ओपन अ विंडो प्रोग्राम ऑन द विंडो. लेकिन कितने तरीकों से कर सकते हैं, देखिए फ्रॉम डेस्कटॉप के इस साइड पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये देखें माय कंप्यूटर का आइकन है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहां से माय कंप्यूटर ओपन हो जाएगा. ठीक है, ये फर्स्ट तरीका था इसका मेथड था. सेकेंड नंबर पे स्टार्ट बटन पे प्रेस करेंगे तो यहां पे भी कंप्यूटर की ऑप्शन है, तो यहां पर आ गया. ये थर्ड तरीका सेकेंड वाला. और थर्ड हमारे पास कौन सी ऑप्शन थी, थर्ड हमारे पास थी फ्रॉम रन कमांड. के रन कमांड से आप लोगों ने कैसे ओपन करना है, विंडो आर करेंगे तो इस जगह पे जिस तरह मैं एमएस वर्ड को ओपन करना चाह रहा हूं तो मैं विन वर्ड लिखूंगा, इसको एंटर करूंगा तो ये एमएस वर्ड ओपन हो गया. तो इस तरह से ये तीन तरीके हैं इन चीजों को ओपन करने के. ठीक है, प्रोग्राम में आप लोगों ने ये क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, अच्छी तरह से याद करना है. You could be the muse to my passion. We can make love like a night of God. I just match my words.